पूरी साल का अनाज इकट्ठा करने खातर बहुत मेहनत लागे है और इतनी ही मेहनत लागे है जब आप इन्हें स्टोर करा तब। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह दोनों भाइयों के साथ। और कल का व्लॉग में आपने देखा होगा, आपा जो भी गेहूं है वो आपा घर ले आया। हाँ, तो पहले घर ले आना का बाद ई बापा उन्हें स्टोर करके भी रखांगा। तो स्टोर करके रखांगा तो सबसे पहले अनाज वाली टंकी है वह साफ करनी पड़ेगी। गेहूँ तो मैंने बहुत दिन पहले 10-12 दिन पहले ही निकाल दिया था, लेकिन वही था कि टंकी का धूप नहीं लगन पाई, साफ नहीं हो पाई। और फिलहाल आपने जो एरिया है वो खाली कर दिया है। और जितनी आपने सफेदी करी थी वो भी साइड आपने देख चुकी कि टंकी की साइड ने हमने सफेदी है वो नहीं करी। नया कट्टा आपने देख लिया होगा, ये वाला जो अनाज है नया है, बाकी पुराना है वो भी साइड में आपने दिखाई देगा होगा। टंकी है वह बाहर निकाल दी है। पहले जब आप गोल वाली टंकी आया करती तो इसके अंदर पूरा चला जाया करता और बढ़िया डालती, साफ कर लिया करता, झाड़ू लगा लगा कर जितना भी जाड़ा है वे उतार दिया करता, साइडा में कोना में झाड़ू लगा लगा कर खूब अच्छी तरह से साफ करके लिया करता और बढ़िया डालती, धूप है वह लगा लिया करता। और ईब तो चौकोर टंकियाँ हैं पछना, तो इसके अंदर जाया जावे और जितना हाथ पूछा है उतने ही सफाई हुए हैं। सारा अपना अपना काम कर जुट गया ही, क्योंकि सब ने अपना अपना काम बांट रखा है। काम बांटांगा, हाथ बढ़ावांगा एक दूसरा का, जब जल्दी है वो हो जाएगा। तो बस पुरानी अनिता है इब अपना गेहूँ गाँव साफ करेगी, धोया दाई करेगी, टंकी बाहर निकल गई है। यंशु पापा और दोनों बाण भाई से ये आ लिया है छत पे। असमी पहले झाड़ू लगा रही है क्योंकि थोड़ा बहुत नाच दाना है नीचे गिर रहा है, सुखाया था तो वो आप डाल देवंगा। पक्षियां ने जाती वह झाड़ू लगा कर इकट्ठा है वो करण लाग रहे है। बीच बीच में जियान से वो वाइपर लगावन लाग रहा है, वाइपर भी लगावांगा क्योंकि गेहूँ साफ करा, गेहूँ धोकर सुखावांगा तो फिर सफाई भी जरूरी है। उससे पहले आपा करांगा सोलर प्लेट साफ। नीचा ती मोटर है वह चालन लाग रही है, सोलर प्लेट है वो इंसु पापा ने साफ कर दी है क्योंकि लाइट ही पापा ने बहुत जरूरी है। और एक साथ तीन तीन चार चार पंखा चालने हैं तो फिर आपने बेरा है, लाइट का यूज भी ज्यादा ही हुआ है। और मीटर में तो फिर बिल का बखड़ है वो आवेगा, इसलिए आपा ने बहुत गणा जो क्या करे ना कि बहुत गणी हेल्प हो जावे है। और हम तो जितना हो सके है दिन में ही बिजली यूज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कपड़ा धोना हो, प्रेस करनी हो या टंकी में ऊपर पानी है वो चढ़ाना हो। तो वे अपना ऊपर लाग रह सी, अनिता अपना परला घर में लाग रही है और मेरा क्या काम था तो मैं भी चलो आपने दिखा दूँ। मैं लाग रही हूँ अपनी किचन में, आज बड़का खातर बनाऊ हूँ कढ़ी पकौड़ा। सुबह सुबह का टाइम से कढ़ी पकौड़ा का टाइम टाइम तो नहीं सर, कढ़ी पकौड़ा का देखो टाइम तो कभी भी बना कहाँ, लेकिन आज जी कर रहा था बड़का का भी मोम के आज तो पकौड़े बना ले, तो मैंने सोचा पकौड़ा बनाऊंगा, इसकी बढ़िया है ना कढ़ी पकौड़ा बना लेवंगा। एक पंथ दो काम हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी, बड़का की थोड़ी रीस है वह भी खत्म हो जाएगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी बालक मान जाएगा मारा बालक इतना वे भी कोने की किसी चीज़ की जिद कर ली मैं मामने या चीज़ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि समझदार बालक से टाइम का हिसाब से चल रहे हैं। एक टाइम हिसाब ही वह है कि सब कुछ आगे रहा है, एक टाइम हिसाब ही रहा है कि घर में ना भी मिलन पावे वह चीज़, क्योंकि देखो हर एक चीज़ अपना घर में जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ घर में हो। तो अनिता वर गेहूँ साफ करने लाग रही है, मन ने इतना कपड़ा है वे भी धोकर नहीं सुखाया क्योंकि कल धोया था वे सुखा दे ही थोड़ा बहुत गिल्ला था। अनिता वर गेहूँ धोवेगी, छुट्टी पड़ रही है 2-3 दिन की, 2-3 दिन की छुट्टी क्यों थी वो भी आपने बेरा होगा, छुट्टी क्यों पड़ी थी जो भी कनीना के अंदर बस का एक्सीडेंट हुआ था उसमें छुट्टी उसकी वजह थी, 3 दिन की सकुल्ला की छुट्टी पड़ रही है तो उन्हें थोड़ा बहुत मौका का फायदा है वो बिठाना चाहिए। तो अनिता ने तो नहीं सोचा था कि चलो मैं अपना गेहूँ गावान धो दूँ हूँ, कपड़ा भी धोवांगा, देखांगा मशीन चलावा या ना चलावा, असमी देखता होगा उबासी पाड़न लाग रही है क्योंकि बड़का का घर न रहे तो आड़ कस्सा हो ही जावे है। फिलहाल 2:30-3 बजे का टाइम हो गया है, अपना चाय का टाइम हो गया है, चाय नमकीन है वो खोल ली है, घर आ रहा हूँ जब कुछ ना कुछ खाने जी कर जाए है, बड़का का भी बड़का का साथ साथ मारा भी, तो अपनी चाय नमकीन से वो आ गई है। चाय नमकीन आओगी तो बालक भी तो आवेगा फिर चाय लेने खातर, नमकीन लेने खातर, सॉरी चाय तो नहीं नमकीन लेने खातर। फिर एकदम ती बीच में ईसा हुआ कि एक तो यंशु पापा का फोन आ गया कि जितना भी आपा ने गेहूँ गाँव सूखा रखा है वो रख दो क्योंकि पूरा बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई सब प्लांट में और होश कह गई इतने भी आ जाएगी। तो हमने अपना जितना भी था चाय छोड़ दी और अपना पहले जो दाना था वे इकट्ठा करना जरूरी था तो वे सारा आपा ने ही बंदर कर दिया ही। मैं तो नहीं थी मगर बिरना कितना ऊपर तो कितनी बारिश आ चल ऊपर ये दो कट्टा नहीं
मेरा तो थोड़ी देर पहले ही नहाए धोए करके अपना काम निपटा था, और अनीता तो आज नहाए भी ना है ना। और काम निपटाओगी बल तो दर पड़िया था, सोचा एक बार हूं और निपटा दे वहां फिर देखांगा। बड़का ने बाज बाज कर कर तो दिया है, और वैसे बादलवाई भी हो रहे हैं, ऊपर देखा तो आंख भी को नहीं खुले। मौसम दिखाऊं एक बार गरड़ 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 लाग तो रहे, वैसे तो साफ भी दिख है लेकिन धुंधलो धुंधलो है। चलो छत पर आए गई हूँ तो चारों तरफ का व्यू है वो और दिखा दी हूँ, क्योंकि मैं छत पाऊँ और वीडियो नहीं बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप लोगों ने वीडियो बना के दिखाऊँ हूँ। रोज है अपा प्लांट की साइड थी करा तो कुछ इस तरह का मौसम है, और चारों बढ़ने ऐसा ही हो रहा है। वैसे आप ना अगर दिखता भी होगा तो मौसम बिल्कुल साफ सा, मतलब प्लांट दिखने लग रहा है तो लवै से जाती दिखने लग रहा है, और अगर वराती देखा तो फिर सारा मौसम चढ़ रहा है, यूं ही चढ़ रहा है सारा मौसम। तो एक तरफ आंधी आओगी, हाँ एक तरफ आपने वो प्लांट दिख गया होगा, तो दूसरी तरफ मैं आपने दिखाया करती खेता की हरी भरी हरियाली। तो खेतों में तो हरियाली को नहीं रह रही, पेड़ों की हरियाली जरूर है, पेड़ों पर हरियाली है और खेतों में मिट्टी मिट्टी है, सूख रहा है सब किमी, तो अपनी जितनी भी फसल थी वे कट ली हैं, बाकी पेड़ा पर हरियाली है वो मैंने बताई दी थी। और फिर अगर इस तरफ ती दिखाऊं तो इस तरफ ती ज़्यादा कौन दिखा सको, क्योंकि देखो सबका अपना अपना काम से, घर का काम से, प्राइवेसी से उनकी नुए रहने दी हूँ, लीक को नहीं करूँ। और सारा सुनना पड़ा है, सारा मौसम से वो ऐसा ही हो रहा है। चलो ऊपर ऊपर से दिखा दी हूँ, और कुछ इस तरह का है इन्होंने चढ़ तो रहा है मौसम यो इस साइड थी, और ये बेरा ने यहाँ आंधी है, मौसम चढ़ रहा है आनी था बारिश है बेबे या आंधी बहन जी मुन्नी कण फोन करके पूछा तो बिजली की मैं है बारिश आ गई अनिता ने भविष्यवाणी कर दी है फेंकू ऊपर थी नसी तो जागो बबली बोलन ना करी बबली मयंक ओ मंकु ते जोरते मत बोलला भारत में आवाज आ रही हो कसी से चप्पल फेंकू तो रे देखो अपना पड़ोसियां जगावण को तरीको जागी मन चप्पल हाथ में ले ली मैनू कह रही थी चप्पल फेंकू के मौसम देख के गुंडो चढ़ रहे थारे का बाहर पड़या थी धोनाले है जब ये रख के दूर जाएंगे आशो तो देख लियो तो कर लियो बंद हमने दिया ही बताए गेट को नहीं खोला थी क्योंकि देखो सब पंखा चला चला के सोए तो मैंने सोची और कुछ कौन तो ले चप्पल फेंक के बता दी हूँ ये उठा लू ले बेबी और जब तेज की बारिश आ गई ना ना भीज जाए हाँ ना भीज जाए तो है चार बार तय कर रखी है घर में पुराना दाना में चढ़ जाएगा फड़ी रहने दे तो की करो जो कट्टा उठा लिया हां कट्टा उठा लिया यो भी वही ही मैं नहीं क्योंकि दो साल का क्यों हो गया हमारा, दो साल हो गया हमने लिया तो साफ सफाई भी जरूरी है। वैसे पिछली बार हमने साफ करके गाल भी दिया था, लेकिन जब इली दिखे हैं सुरसली बोलना है कई जगह तो जी को नहीं करे, मैं सोचा बस धो ले बदल ले किसी गार्डन ने खत्म कर दो, डांगर हो तो डांगरा ने घेर दिया, ये भी थोड़ा महंगा पा का क्यों है बिना घेरा जाए करेगी क्योंकि ये सही है पानी सुबह तो सुतो ठंडो हो मैं तो रिस्क उठाए लिया थोड़ो बहुत, सुबह सुबह पानी इतना गर्म था गर्म तो ही गर्मिया मोड़ लाग जाऊगा, सुबह सुबह पानी इतना ठंडा था। एक बार मैंने सोची चल के आँच जलावगी गिर ले दे पे, जब देखे ना फुआरा नीचे राम रटकन आया हाँ तो करने राम 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 कर का सुब क्या थी तड़ा थी बालकन कौन सा बालकन तो कौन सा लेंगे इसके लिए सर लगे भी तो
लूं पर तू घी से मत बना दूं। हां चल मैं दूसरा ले आऊंगी ले चल। मैं सन कह रही हूं नु कर तू घी से मैं तेरी वीडियो बना दूं। तो एक तरीका तो सही से टाइम लपना। बच्चो अरे क्यों कर लाइट बंद कर रखी है अंधेर क्यों कर रखते भाई जीजी लाइट साफ दो खाली तो नमकीन है हाँ तूने तो खाली और कीमत करिए बस बाहर को मौसम देखो आ टीवी ने बंद करो यो भी ले जाऊं यो भी ले चल नीचे इधर देखती मकने जीजी चाय पीऊंगा जाते शहर देखी चाय बन रही हमारी और मौसम दिखे ना जब थरियंस पापा का फोन आ लिया था बाहर निकल के देखो मौसम खराब हो रहा है हमने हमारी चाय भी छोड़ दी है चूल्हा ढक दिया लिखड़ा लिखड़ा भर दिया आज मैं तो आऊं हूँ आज भी दुख लगे फोन पकड़ी पकड़ी भीतरों वैसी लागे हर बार थोड़ी थोड़ी वैसी लागे है चलो जी अनिता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो राती आंधी आवेगी वो राती मैं आवेगा तो पहले आंधी का नहीं बताई थी कि आंधी आ गए है मैं पाछे है आंधी आ गई है और जब मौसम खराब हो जाए तो सब अपना अपना टाइम थी पहले ही काम करने लग जावे हैं तो बस गली में भी थोड़ी रौनक सी होगी से मौसम ने देख कर सब अपना अपना काम कर लाग रहे हैं और ज्ञान अश्मिता अपना बाल खोल कर मस्त हो रही है और ऊपर ती पेड़ पौधा वो भी आपने दिखता होगा बढ़िया वाला हालन लाग रहे हैं बढ़िया वाली आंधी से वो आ रही है बालक से वो फुल इंजॉय करने लाग रहे थे इस मौसम का भी तो आंधी तो आ गई है और ईब देखियो बारिश है वो भी आवेगी तो बारिश आवेगी क्योंकि मैं एडिटिंग करने लग रही हूँ ना उस टाइम पे बारिश आ ली है और यो वाला रेत है एकदम ती पूरा घर का अंदर इतना गया से एकदम ती क्योंकि चटाई भी हम बाद में डालना पाया हाँ और ईब जी को नहीं कर रही ऐसा लगा है जना झाड़ू पोछा है वो करना पड़ेगा जब काम चल रहेगा बताई थी ना आंधी आएगी तो बारिश भी आवेगी तो बारिश की बूंद है वो भी आनी शुरू होगी से बाकी हमारा कपड़ा लत्ता हमें भारी पड़ा सी क्योंकि इब हम अपना चाह पानी पी के एक बार भीतर का और कुछ काम करने लग गया था आंधी आ ली तो फिर बारिश आनी थी और जो भी बोतल बातल है वे गुड़ती हांडन लाग रही है हमारा कपड़ा तो बालक कौन टेकेगा क्योंकि कह ना रखा कि ये बैग बुग से ये भी रख दियो तो हमने रखना पड़ेगा बाकी ऊपर पेड़ पौधा थे अपना अंदाजा लाग रहा होगा किसी के आंधी से वह आ रही है और मौसम जब बारिश की बूंद पड़े हैं तो एक बार भभकी हवा निकल का आवे है गर्माती भी हुमस हवा निकल का आवे है और जब बाहर का ठंडा मौसम हो अंदर का गर्म मौसम हो तो फिर बाहर निकलने फिर अंदर जावण ने जी को नहीं कर रहा और ऊपर ती जो टाइलों का पानी है वो आवने लग रहा है नीचे तो वैसे भी जो सीमेंट का फरस है जहाँ इतना लाग ना रहा है कि बारिश आ रही है ऊपर टाइलों पर बूंद भी पड़ा है वह भी नीचे आवेगी तो बूंद आवन लाग रही है हवा चालन लाग रही है आंधी आली रेत मिट्टी से वाह आली मौसम है वो खूब बढ़िया वाला हो रहा है किसे किसे के खातर और किसे किसे के खातर तो ये मौसम है फिलहाल दुश्मन सा दिखाई दे वह है। फिलहाल 3 बजे का टाइम हुआ है घना टाइम भी ना हुआ है मौसम है वो ऐसा काला पीला चढ़ रहा है वैसे तो मैं आपने दिखा के भी आई थी अब कुछ इस तरह का मौसम है वो चढ़ रहा है और क्या करें ना कि राम बस खड़ी खेती ने नाश करेगा क्योंकि देखो सबका गेहूँ तो कटाना है और घर बैठा ना गर्मी का मौसम है यो मौसम अच्छा तो जरूर लग रहा है लेकिन जब वह खेती खड़ी दिख है ना जब भीतर टिकाल जावे है क्योंकि पूरी 6 महीना की मेहनत सर कुछ दिन बाकी हैं चाहे किसी का 1-2 दिन होगा किसी का सांस तड़का में कटवावन का होगा तो एक बार बूंद लग गया थी सारा है वो खराब हो जाएगा तो मौसम तो अच्छा लग रहा है और फिलहाल क्या करें ना कि मौसम तो अच्छा लग रहा है लेकिन जब ये बरसेगा ना किसाना का नहीं देखा हाँ अपनी फसल का नहीं देखा हाँ खेत में पड़ी है तो उसका नहीं देखा अच्छा को नहीं लग गए और घुटा खड़ा है देखो राम जी ना ही आना चाहिए बूंदाबांदी है वे हो तो रही है लेकिन हम तो नु ही कहवांगा कि कौन नहीं आने चाहिए बारिश बाकी बाहर बैठांगा भीतर है वो हुमस हो गया है और वैसे भी हमने खिड़की खड़की है वो बाहर थी बंद कर दिया है जो चटाई थी चटाई डाल दी है क्योंकि सारा घर है वो मिट्टी मिट्टी का हो गया है एक बार आंधी आकर फिर बारिश आएगी है तो एक बार फिर ती झाड़ू पोछा करना पड़ेगा क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं करांगा तो फिर पैर कौन टीका है और मिट्टी में जब कर कर करने लग जाए पैर कौन टीका तो फिर वो जा है और कपड़ा भी रह गया ही हमारा मेरा वो चोट ला दिखा है
कपड़ा भी मारा रह गया ही, देखांगा मौका लग गया तो धोवांगा, ना तो फिर सुबह ही टाइम लग गया इवन करीब तो कौन धोवा, एक बार नठाए ले हूं। मौसम नु लग रहा है कि अंदर से भभकी हो रही है, पूरा घर बंद हो गया ना, जहाँ फिर बूंद पड़ी है तो वैसे भभकी लग रही है। तो हमने क्या करा, अपनी बैठक में आ गया हाँ, भारतीय साइड में गेट खोल लिया है, यो वाला भी जंगला है वे जंगला खोल लिया है, और ऊपर से लगा चला लिया अपना पंखा, तो थोड़ा थोड़ा नु अच्छा लग रहा है कि हाँ हवा चल रहा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो भीतर तो सारा मच्छर, अंदर तो जावण ने जी को नहीं करे कि चलो अंदर तो चलिया जावा, जावण ने जी को नहीं करे, मौका का फायदा इसे उठाया करें ही बालक होना के साथ।